नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। आतंक अपराधी के पास से पुलिस ने एक देशी पिस्टल बरामद किया है। राजनांदगांव शहर के मीलचाल रोड पर देशी पिस्टल लेकर लोगों को डराने चमका रहे युवक को देशी पिस्टल के साथ सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजने में सफलता हासिल की है। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। देशी पिस्टल लेकर घूम रहा था आरोपी, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज प्रेस वार्ता कर खुलासा किया गया है, जिसमें एक अद्यतन आरोपी के पास से पुलिस ने देशी पिस्तौल बरामद किया है। विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर शांतिपूर्ण चुनाव करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा ये पूरी कार्रवाई की गई है। इस दौरान कोतवाली थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी के पास से एक नग देसी पिस्तौल बरामद कर आरोपी को जेल भेजा है। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण करने हेतु असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर आरोपी युवक किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की मकसद से अवैध देसी पिस्तौल रखा है। आरोपी युवक सुनील निशार मीलचाल रोड पर पिस्टल लेकर घूम रहा है, जिससे आसपास के लोग दहशत में हैं, जिस पर थाने में स्टाफ भेजकर घेराबंदी कर पकड़कर पास रखे एक नग देशी पिस्टल को बरामद किया। वहीं युवक पर अपराध के मांग 706/23 धारा 25 एक्ट कायम कर आरोपी को वारंट प्राप्त होने पर जेल भेजने में सीधी कोतवाली पुलिस ने सफलता हासिल की है। पूरे मामले का खुलासा प्रेस वार्ता कर किया गया। एडिशनल एसपी ने पूरे मामले का खुलासा किया है। राउंड को फायर कर चुका है, इसके पास से जब्त किया गया है। ये पहले से 5 मामलों में जेल जा चुका है, जिसमें तीन मामले 307 के हैं। 2 कोतवाली के 307 के मामले हैं, 1 बसंतपुर का है। इसके अलावा भी मारपीट के मामले में जेल जा चुका है, जिसको आज आम सेक्ट के तहत गिरफ्तार करके आज न्यायिक रिमांड में भेजा जाएगा। कोतवाली अंतर्गत एक फायर आर्म्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुनील निषाद, ये शांति नगर क्षेत्र का रहने वाला है, एक फायर आर्म्स लेकर घूम रहा है, जो देसी पिस्टल को लेकर घूम रहा है। इस सूचना पर पुलिस की टीम वहाँ रवाना हुई, उसको घेराबंदी करके पकड़ा गया। उसके पास से एक देसी पिस्टल बरामद किया गया है और इसके खिलाफ आम सेक्टर के तहत कार्रवाई की गई है और इसको गिरफ्तार करके आज न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। इसका पुराना रिकॉर्ड भी चेक किया गया। ये 3 प्रकरण जो 307 के हैं, हाफ मर्डर के केस हैं, इसमें जेल जा चुका है। इसके अलावा भी अन्य मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया है। ये मूल रूप से दुर्ग पंचशील नगर का रहने वाला है, हाल में यहाँ पर आकर रह रहा है और इसका एक घर भी है यहाँ पर। तो इस प्रकार से इसके ऊपर निगाह लगातार पुलिस रख रही थी और इसको सूचना मिली, इस आधार पर आज इसको पकड़कर आम सेक्ट के तहत कार्रवाई की गई। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़ें राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।